हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 6 सितंबर और बात करेंगे इवनिंग बूस्टर के बारे में। तो जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि इवनिंग बूस्टर में हम बात करते हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, चाहे फिर वो एचपी के हों या नेशनल के हों, दोनों के बारे में हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज की वीडियो में एचपी के जो करंट अफेयर है वो बहुत ही खास है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो है विद द हेल्प ऑफ विच स्टेट हिमाचल प्रदेश विल मेक नैना देवी रोपवे। ठीक है, कौन से राज्य की सहायता से जो है हिमाचल प्रदेश नैना देवी रोपवे का निर्माण करेगा। तो अभी ये जो है एमओयू साइन हुआ है, तो नैना देवी जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा बिलासपुर में। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नैना देवी कहां पर पड़ता है और ये किस स्टेट की सहायता से करेगा, वो करेगा हमारा पंजाब की सहायता से। तो पहले ये जो समझौता हुआ था 2012 में हुआ था, बट 2013 में इसको रद्द कर दिया गया था और अब फिर से इसको जो है डिसीजन इस पे लिया गया है कि जो नैना देवी रोपवे बनाया जाएगा वो पंजाब की सहायता से बनाया जाएगा नैना देवी में। ठीक है, तो इसके लिए जो 70% लैंड है यानी कि जमीन है वो देगा हमारा हिमाचल और 30% जो लैंड दी जाएगी वो दी जाएगी हमारी पंजाब के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है दोनों। और जो टोटल इसमें खर्चा आएगा वो आएगा हमारा 300 करोड़ रुपए का। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन मशरूम प्रोडक्शन इन 2018। ठीक है, 2018 में हिमाचल प्रदेश का मशरूम उत्पादन में कौन सा स्थान है, यहां पर आपके पास ऑप्शन दिखे। देखिए जो पहला स्थान था हिमाचल का पहले इससे पहले तो वो था हमारा 7th। ठीक है, और फर्स्ट नंबर की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर हमारा जो है वो है महाराष्ट्र और सेकेंड नंबर पर जो है वो है हमारा उड़ीसा। और अब जो हिमाचल प्रदेश का स्थान है 2018 के अकॉर्डिंग वो है 3rd, यानी कि पहले 7वें स्थान से ये अब जो पहुंच चुका है वो 3rd स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। बाकी आपको ये भी जरूर याद रखना है पहले और दूसरे नंबर पर कौन सा है। नेक्स्ट है हिमाचल फर्स्ट टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो हिमाचल प्रदेश की पहली टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी वो किस जिले में लगाई जाएगी, यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो लगाई जाएगी सोलन में, सोलन के कसौली में जो है हिमाचल प्रदेश की पहली टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं विच स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ हर्ब्स। ठीक है, जड़ी बूटियों के उत्पादन से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द ही कौन सी एक नई स्कीम शुरू की जाएगी, उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो ग्रामीण होते हैं वो जंगलों में जड़ी बूटी लगाकर जो है अब अपनी इनकम कर सकेंगे, कमाई कर सकेंगे, यानी कि वहां पर उनका प्रोडक्शन करेंगे और साथ ही साथ उनको बेचा भी करेंगे। तो इस स्कीम का नाम रखा गया है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। नेक्स्ट की बात करते हैं वेयर विल बी द 3rd एडिशन ऑफ इंडो काजिकिस्तान जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज, जिसको नाम दिया गया है काजिन, हेल्ड इन सितंबर 2018। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है कि जो इंडिया काजिकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है काजिन। ठीक है, और ये कहां पर, इसका जो 3rd एडिशन है, इसका अब 3rd एडिशन है, इससे पहले भी इसके 2 एडिशन हो चुके हैं। 3rd एडिशन जो है इसका वो कहां पर हुआ, तो वो हुआ हमारा उतार रीजन काजिकिस्तान में। ठीक है, इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था सेकंड वाला, अगर बात करें 2017 की, तो 2017 वाला जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला एडिशन हुआ था वो हुआ था बकलोह बेल्ट में हिमाचल प्रदेश में, यानी कि 2017 में हुआ था सेकंड एडिशन। अगर आपसे 2017 के करंट अफेयर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडो काजिकिस्तान ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज है काजिन, ठीक है, उसका जो सेकंड एडिशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो हुआ था बकलोह बेल्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 3rd हमारा हुआ उतार रीजन में। ठीक है, और जो हमारा सेकंड हुआ था वो हुआ था कारगंडा रीजन काजिकिस्तान में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट, ये हमारा हुआ था सेकंड, ये हमारा हुआ था फर्स्ट और ये हमारा हुआ था 3rd। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब एक और पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि काजिकिस्तान की जो कैपिटल करेंसी है, ठीक है, काजिकिस्तान की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है अस्ताना और इसकी अगर करेंसी की बात करें तो वो है तेंग। ठीक है, तो इसका जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं इस साइन के। ठीक है, टी से ही टेंगी और टी से ही आप याद रख सकते हैं और कैपिटल जो है इसकी वो अस्थाना है। नेक्स्ट की बात करते हैं व्हाट वाज नॉट गिवन टू द विनर्स ऑफ नेशनल टीचर्स अवार्ड। आपको पता है नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला था और हिमाचल प्रदेश में से, मैंने आपको बताया भी था पिछले करंट अफेयर में, सुनील कुमार था उनका नाम जिनको ये अवार्ड मिला था। तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो राष्ट्रीय जो टीचर्स डे जो शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है उसमें नहीं दी जाती, सिल्वर मेडल सर्टिफिकेट 50,000, गॉडेस सरस्वती रेप्लिका। ठीक है, तो गॉडेस सरस्वती रेप्लिका जो होती है वो नहीं दी जाती। ठीक है, बाकी जो है सिल्वर मेडल भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और 50,000 रुपए भी उनको दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
How many airports will be constructed by India in the next 10 to 15 years as stated by Union Civil Aviation Minister Suresh Prabhu? सबसे पहले आपको मिनिस्टर का नाम याद रखना है, जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु। तो उन्होंने कहा कि 10 से 15 आने वाले सालों में कितने नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास 100 जो है न्यू हवाई अड्डे जो है भारत में बनाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द फीबा 3x3, ये 3x3 है, ठीक है, इसको इस तरह से याद रखिएगा, 3x3 वर्ल्ड टूर मास्टर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर 2018। कौन सी जो भारतीय ऐसा कौन सा शहर है जो पहली बार जो फीबा की फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है, द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है, तो ये होती है फीबा की फुल फॉर्म या फीबा की शॉर्ट फॉर्म आप कह लीजिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए आप फीबा होती है। तो पहली बार जो है 3x3 फीबा का जो वर्ल्ड टूर मास्टर इवेंट होगा उसकी पहली बार वो भारत में होगा, तो वो कहां पर होगा तो उसका आपको बताना है, तो वो होगा हमारा हैदराबाद में, ठीक है। और इसको जो 3x3 जो ये हमारा फीबा था इसको फाउंडेड किया गया था 2010 में, और इसमें टोटल नंबर जो टीम होती है वो होती है हमारी 24। ये आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, वो बैग द गोल्ड इन द मेंस 50 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF, ISSF की फुल फॉर्म यहां पर है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल, आपको फुल फॉर्म सभी की याद होनी चाहिए, ठीक है, किसी की आप ऐसे मत करें कि स्किप कर दें, स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF, ठीक है, तो इसकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी कहां पर थी, चंगमोन में, ठीक है, 2018 में। चंगमोन जो है वो साउथ कोरिया की एक सिटी है, ये भी आपको याद रखना है, साउथ कोरिया में पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर एक जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसमें 50 मीटर पिस्टल मेंस वाली कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो वो है ओम प्रकाश मिथारवाल, ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नगर अन्नटारी शहर किस भारतीय राज्य में है, यानी कि नगर अन्नटारी टाउन इन न्यूज, वो न्यूज में चला है अभी अभी रिसेंटली, इज इन विच इंडियन स्टेट। अब न्यूज में क्यों चला है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, तो नगर अन्नटारी जो है वहां पर क्या है, सबसे पहले बता देता हूं कहां पर पड़ता है, तो वो पड़ता है हमारा झारखंड में, ये आपको याद रखना है। अब झारखंड में वहां पर क्या है कि बंशी धर, किसको बोलते हैं हमारे, कृष्ण को, वहां पर कृष्ण का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति है, ठीक है, इसलिए वो प्रसिद्ध है, ठीक है, वहां पर बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहां पर क्या है, एक पड़ता है अन्नटारी नगर, तो अन्नटारी नगर या अन्नटारी शहर उसका नाम बदलकर बंशीधर शहर रख दिया गया है, ठीक है, तो उसका नाम बदलकर बंशीधर शहर, और साथ ही साथ अन्नटारी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर बंशीधर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो उनका नाम बदलकर रख दिया गया, तो वो आप रिसेंटली न्यूज में चला था, तो इसलिए यहां पर पूछा गया अन्नटारी शहर कहां पर पड़ता है, आपको बंशीधर के नाम से याद रखना है, क्योंकि वहां पर बंशीधर कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि झारखंड में हमारा स्थित है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू लॉन्च मार्स मिशन होप, ठीक है, मार्स मिशन का नाम रखा है होप बाय 2020। कौन किस देश ने मार्स मिशन होप को 2020 तक लॉन्च करने का फैसला लिया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है यूएई। यूएई की आपको फुल फॉर्म पढ़ता होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है, और इसकी करेंसी की बात करें तो दिरहम, दिरहम जो है इसकी करेंसी है, दिरहम करेंसी, कैपिटल अबू धाबी, यूएई की फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इन्होंने अभी जो फैसला लिया है कि मास मिशन ये करेंगे, इसका नाम इन्होंने रखा है होप। आप इजिली, ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है होप किससे रिलेटेड है, तो वो है हमारा मार्स मिशन से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, Which of the following cities is the venue for the first round of the India-US 2+2 dialogue? ठीक है, 2+2 dialogue की आप आए दिन जो है newspaper में news पढ़ते होंगे, तो इसके लिए जो पहला venue चुना गया है, ठीक है, पहले इसके जो पहले round के लिए venue चुना गया है वो किस शहर को चुना गया है, ठीक है, तो वो हमारा चुना गया है न्यू दिल्ली को। अब इसमें जो जो भाग लेंगे मैं बता देता हूँ, इंडिया की तरफ से जो होंगे इसमें वो होंगी हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो आपको पता होगा कौन है, वो है हमारी सुषमा स्वराज, वो होंगी इसमें, और एक हमारी होंगी डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम है हमारा
निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ये दोनों होंगी। अगर बात करें हम यूएसए की तरफ से, ठीक है, यूएस की तरफ से, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है हमारे, वो है माइकल आर पोम्पियो, ठीक है, माइकल आर पोम्पियो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, एक ये होंगे और दूसरे होंगे हमारे डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के, वो होंगे एन मैटिस। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, एन मैटिस और पोम्पियो, पोम्पियो से याद रखिए और मैटिस से याद रखिए यूएस की तरफ से, और इंडिया की तरफ से आपको सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, तो ये उसमें दोनों भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री मोबाइल फोन्स टू वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिलीज, कौन से राज्य की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वहां पर जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं उनको मुफ्त मोबाइल प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये जिसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की आपको कैपिटल पता होगी, वो है जयपुर, ठीक है, बट आई होप मैक्सिमम को ये नहीं पता होगा, बट पता होना चाहिए कि इसकी दूसरी भी एक कैपिटल है जो कि है जुडिशरी कैपिटल या जुडिशियल कैपिटल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है यहाँ की जोधपुर, जोधपुर। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो कहाँ पर पड़ता है, वो जोधपुर में पड़ता है, इसलिए जुडिशियली जुडिशियल कैपिटल बोल सकते हैं आप या जुडिशियरी कैपिटल बोल सकते हैं, वो जोधपुर है, और सिंपल जो कैपिटल बोलते हैं वो जयपुर है। तो दोनों आपको याद रखनी है, और जयपुर को आपको पता होगा जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम आता है, पिंक सिटी किसको बोला जाता है। और राजस्थान जो है वो एरिया वाइज जो है हमारा इंडिया का सबसे पहले नंबर पर आता है, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, वो राजस्थान है। एरिया की बात करें तो 342,229 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, ठीक है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। सीएम की बात करें तो सीएम जो है राजस्थान की वो है सीएम जो है वो है वसुंधरा राजे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, सीएम वगैरह हो गए, कैपिटल दो हैं जयपुर और जुडिशियल कैपिटल जोधपुर, ठीक है, कब बना था 1 नवंबर 1956 में, एरियाज कितना है, ठीक है, और पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है जयपुर को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू फॉर द इंटरनेशनल एविएशन समिट 2018, ठीक है, इंटरनेशनल एविएशन समिट होगा 2018 का, वो कहां पर होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारा न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब इसको कौन कौन मिलकर ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले है MOCA, ठीक है, MOCA की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ, आप नोट कर सकते हैं, सिविल एविएशन, एम से मिनिस्ट्री, ओ से ऑफ, सी से सिविल और ए से एविएशन, ठीक है, पहला ये है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है AAI, जो जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, AAI से मतलब है द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास ये होगी, दूसरे नंबर पे AAI होगी, तीसरी जो है वो करवा रही है IAIA, ठीक है, सॉरी IAIA नहीं, IATA, ये टी है हमारा, तो इसका है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो ये जो तीन है ये मिलकर कंडक्ट करवा रही है इंटरनेशनल एविएशन समिट 2018, जो कहां पर है हमारा, जो न्यू दिल्ली में होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर एक बार प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।